नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात करेंगे नागरा काटा की, जहां पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से महारैली कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। नागरा काटा ब्लॉक सभापति गणेश उराव और काजी पांडे के नेतृत्व में लुकसान में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जोशेफ मुंडा के समर्थन में महारैली की गई। उराव ने जोशेफ मुंडा के भारी मतों से जीत हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि रैली ने साबित कर दिया है कि बंगाल के साथ साथ नागरा काटा में भी तृणमूल जीत रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागरा काटा पहुंची, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में बीजेपी सत्ता में आते ही चाय श्रमिकों को जमीन का पट्टा देगी, साथ ही चाय श्रमिकों का 350 रुपए मजदूरी भी दी जाएगी। वहीं टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी ने श्रमिकों के लिए कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए काफी योजनाएं शुरू की, लेकिन दीदी ने बंगाल में लागू होने नहीं दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागरा काटा पहुंची, बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही चाय श्रमिकों को मिलेगा पट्टा, चाय श्रमिकों को 350 रुपए मजदूरी दी जाएगी। है और ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है। बिल्कुल लेंगे, दार्जिलिंग चाय का सिग्नेचर क्वालिटी है और ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है, इसीलिए अच्छा मार्केटिंग करके उसको एक्सपोर्ट करने का हर कदम तक नहीं होलिस्टिकली उसके ऊपर सोचेंगे क्या क्या किस लेवल पर कदम उठाना चाहिए, वो सब उठाने के लिए एक प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे। इधर कुछ उधर कुछ ऐसे न करते हुए होलिस्टिकली उसके लिए व्यवस्था देंगे। उत्तर चौबीस परगना के 12-7 में एक सभा में शामिल होने आए विमान बसु ने शीतलकुचई के लोगों की गोली मारकर हत्या को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल और भाजपा एक शांतिपूर्ण चुनाव में अशांति का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार है। बसु ने शीतलकुचई में केंद्रीय बलों के हमले की सच्चाई का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन की मांग की। গণতন্ত্রে গুলি করে মারার বিধানটা এত সহজ না। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে সেখানে কাউকে দেখেই গুলি করে খুন করে না, বলে গুলি করার আগে অবশ্যই জ্বালন দিতে হবে, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে হবে, টিয়ার গ্যাস শেলিং করতে হবে। आसनसोल में अवैध तरीके से लगाए गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पोस्टर हटाए गए। निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। आज जेपी नड्डा शहर में हैं, इसी समय अवैध रूप से लगे बैनर पोस्टर हटा दिए गए हैं। भाजपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूर्व बर्धमान में पांचवें चरण का चुनाव प्रचार चल रहा था। चुनाव प्रचार को लेकर राज्यसभा पति दिलीप घोष की रोड शो किया। रोड शो के चलते अचानक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष को देखकर गो बैक स्लोगन लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के पार्टी कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ भी की। आसनसोल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत कर पार्टी पदाधिकारियों ने किया और उनसे मुलाकात की। नड्डा यहां आसनसोल और दुर्गापुर जोन की विधानसभाओं के प्रत्याशियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की।
मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने पर बैठने को लेकर दिलीप घोष ने टिप्पणी करते हुए अनुचित बताया उसे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठकर आदेश का उल्लंघन किया है। घोष ने कहा कि सीएम लोगों को उकसाकर चुनाव बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, यही नहीं सेंट्रल फोर्स पर हमला करने जैसे बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि सीएम को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। तब से उनका दिमाग खराब हो गया है। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक कर रहे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको चुनाव से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर के आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे, एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता। पश्चिम बंगाल के अशोकनगर विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार नारायण गोस्वामी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। साथ ही बोले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आज जमीनी स्तर पर मतदान करना चाहिए, मैं तो बंगाली नववर्ष का स्वागत करने के लिए निकला। দর্শকদের বলি শুভ বাংলা নববর্ষের অনেক অনেক কৃতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা অভিনন্দন, বয়স্কদের আমার প্রণাম। আজকে আমরা আর সকালবেলা প্রভাত ফেরি শুরু করেছি, আজকে নববর্ষ বরণ, বাংলা নববর্ষ বরণে বেরিয়েছি, সুতরাং এখানে नारूर विधानसभा क्षेत्र में नानूर के संयुक्त मोर्चे की वामपंथी की उम्मीदवार श्यामली प्रधान को वोट मांगने को लेकर पहुंची आगतर गांव में तृणमूल नेताओं ने घेर लिया। उन्होंने गांव में घुसने को लेकर विरोध करते हुए उम्मीदवार के साथ बदसलूकी की। वहीं श्यामली प्रधान को ग्राम पंचायत सदस्य सहित टीएमसी नेताओं ने गांव से बाहर जाने की धमकी दी। हालांकि वामपंथी उम्मीदवार ने गांव वालों को समझने की कोशिश की मगर उसका असर उन पर नहीं पड़ा। वहीं तृणमूल नेताओं ने गांव वालों को धमकी देते हुए कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति सीपीएम को वोट देगा तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे। इस दौरान यहां का माहौल तनावपूर्ण देखने को मिला। हावला से टीएमसी उम्मीदवार ज्योति प्रीता मल्लिक ने नए साल की सुबह युवा फुटबॉलरों के साथ फुटबॉल खेला। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे फूल की तरह होते हैं, इसलिए यदि आप बच्चों के साथ समय बिताकर साल का पहला दिन शुरू करते हैं तो आपके पास एक अच्छा साल होगा। আজকে দিনটা আমার কাছে গোস্তবাল একাডেমি স্যারের স্পেশাল দিন নয়। ওই গোস্তবাল একাডেমি যে পরিচালনা করে কমলেশ দার মনোতোষকে আমি সর্বতোভাবে সাহায্য করি। মানে আজকে প্রথম আমার আগমন নয়, মাঝে মাঝে আমি ওদের সাথে যোগাযোগ করি। ওরা আইএফএ লিগের খেলছে, এআইএফএ অ্যাফিলিয়েশন, আইএফএ অ্যাফিলিয়েশন, সুতরাং ওরা একটা খুব ভালো অর্গানাইজেশন তৈরি করে। আপনার গর্ব কিন্তু এটা জেনে ফিরি, এটা কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনার গর্ব। हीरापुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार सायनी घोष ने बंगला नववर्ष की आसनसोल वासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान टीएमसी छात्र परिषद ने प्रभात फेरी निकाली, साथ ही फैंसी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। उम्मीदवार सायनी घोष ने भी डांस के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन किया। एक अनोखा नववर्ष अभियान के साथ चुनाव प्रचार देखने को मिला। Thank you.
বার্তা দেব, সম্প্রীতির বার্তা দেব, বাংলাকে বাংলা রাখার বার্তা দেব। নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, বড়দেরকে জানাই অনেক প্রণাম, ছোটদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা। আগামী দিনে আমরা সোনার বাংলা গড়ছি এবং সত্যিকারে মানে পয়লা বৈশাখে আমরা শপথ নিই, প্রার্থনা করি। हुगली जिले के गुघाट के खाटुल इलाके में एक ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके दौरान जहां बाइक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। इधर घटनास्थल पर इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर बाइक को जब्त किया और कार्रवाई शुरू की। नदिया से टीएमसी उम्मीदवार ने एक सभा में पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर हरामी और भिखारी कहा। हम 35 साल की उम्र में खून पसीने से कमाकर खाते थे, वो अपने घर में भीख मांगते थे। पीएम मोदी कैसे हमारा दुख और कष्ट समझ सकते हैं? वो तो टाइप करा सर्टिफिकेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे प्रमाण करते आमी शिक्षित हूं। এই রকমটা চরম মিথ্যাবাদী আজকে আমাদের মিথ্যা ঝুলি নিয়ে চলেছে, 1 টাকা কিলো চাল দেবে।